अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिन फैक्टर्स पे को फॉलो करके हम बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 10 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें फॉलो करना है एक न्यू बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए एक न्यू बिजनेस को लॉन्च करते हुए हमें उन फैक्टर्स पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले आ जाता है आपकी लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। आप अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए कौन सी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब लाइक आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मिसाल लें तो आपने अगर कोई एक फार्मेसी ओपन करनी है तो आपको उसकी लोकेशन को जज करना है वहाँ पे किस तरह की ऑडियंस है। या अगर आपने कोई कपड़ों का ब्रांड बनाना है या शॉप ओपन करनी है, कोई एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस एरिया की ऑडियंस देखनी है। लाइक अगर हम बात करें तो हम अगर किसी एक ऐसे एरिया में ब्रांच अपनी बनाने जा रहे हैं जहाँ पे ऑडियंस उस लेवल की नहीं है, लाइक अगर DHA के बीच में इस्लामाबाद में किसी एक अच्छे पोर्ट एरिया में अगर आप अपनी कोई ब्रांच बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज भी उसी तरह की होनी चाहिए। या अगर आप किसी लोकल एरिया में बनाने जा रहे हैं कोई भी अपनी आउटलेट, तो आपकी प्रोडक्ट भी उसी एरिया के हिसाब से होनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस उस आपकी प्रोडक्ट को मैच कर सके और आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसी तरह अगर हमने कोई सर्विसेज बिजनेस बनाना है तो उसके लिए अब लाजमी नहीं है कि हमने ऑडियंस के बीच में बैठना है, क्योंकि सर्विसेज आपने ऑनलाइन देनी है, डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले नंबर पे, कि जिसकी बुनियाद पे हमें हमारा एक बिजनेस अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकता है। उसके बाद आ जाता है टारगेटेड ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। ऑडियंस हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट ऑडियंस होती है। लाइक अगर मैंने कोई फीमेल ब्रांड, फीमेल प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, लाइक कोई क्लॉथिंग है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए मुझे फीमेल को टारगेट करना है। या अगर मेरा कोई वॉचेस का ब्रांड है या गैजेट्स का है, तो उसके लिए मुझे यूथ को एंड मेल्स को टारगेट करना है। इसी तरह डिफरेंट ऑडियंस है। अब आपने अपनी सिलेक्शन के साथ ऑडियंस को भी मैच करना है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन में फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट्स के साथ इंटीग्रेट करता है, जिसमें आपने अपनी लोकेशन को ऑडियंस के साथ मैच करना है। लाइक अगर आपने अपनी कोई ऐसी लोकेशन चूज की है जो स्कूल के करीब है, लेकिन और आपकी प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आती है या कुछ इस तरह की है जो स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं उनके लिए नहीं है वो, तो आपकी लोकेशन फेल हो सकती है, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं फेल होने के लिए। तो ये फैक्टर्स आपने दोनों फैक्टर्स को इंटीग्रेट रखते हुए आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है आपका ब्रांड नेम। अब ये ब्रांड नेम भी एक काफ़ी क्रिटिकल काम है कि आपने शॉप को ओपन करने के लिए। अब लाइक अगर आप किसी एक कोई इंग्लिश नेम रख रहे हैं, कोई डिफरेंट सा नेम रख रहे हैं, तो आप और आप का एरिया जो है टारगेटेड ऑडियंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल एरिया वाली, लोकल एरिया वाली प्रेजेंस है, तो वहाँ पे इंग्लिश नेम रखेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगी कि किस चीज़ का ब्रांड है, क्या काम कर रहा है ये ब्रांड। तो आपने अपने बिजनेस नेम को अपनी लोकेशन के साथ, अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ मैच करना है। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे एक कोई भी एक अच्छा मेडिकल स्टोर है तो वो मेड प्लस के नाम से बन सकता है, लेकिन अगर उसकी लोकेशन अच्छी है। लेकिन अगर उसकी लोकेशन नॉर्मल एरिया में है जहाँ पे उसने टारगेटेड ऑडियंस उसकी एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, तो वहाँ पे आप अपना कोई भी नेम रखेंगे मेडिकल स्टोर के नाम से, मेड प्लस के नाम से, वहाँ पे अगर ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ का बिजनेस है। तो आपका बिजनेस नेम जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप सर्विसेज बिजनेस है तो ऑनलाइन में किस तरह से आप डोमेन उसकी किस तरह से लेंगे, आपको उसकी वेबसाइट का नाम ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, आपका नेम जो है वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सारा फैक्टर्स जो है ये उसके बीच में इंक्लूड होते हैं, जिसकी बेस पे आप अपने बिजनेस का नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंपेटिटर एनालिसिस। आपने अपने एरिया में, अपनी लोकेशन में कंपेटिटर्स देखने हैं कि कौन कौन सी हैं। लाइक अगर आपने कोई एक की भी एक मेडिकल स्टोर अगर ओपन करना है किसी एरिया में, तो आपने उससे पहले उस एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उन सबको का रिव्यू लेना है, उन सबका सर्वे करना है, उस सबको आपने उनकी प्रोडक्ट्स को देखना है कि वो किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट रेंज में वो डील कर रहे हैं, आपने क्या उनसे एक्स्ट्रा फैक्टर लेके आना है, आपके पास ऐसा वाव फैक्टर क्या होगा, वैल्यू एडिशन क्या होगी कि ऑडियंस आपके पास आए। तो आपने अपना कंपेटिटर एनालिसिस बड़ा प्रॉपरली करना है। उसके लिए बेशक आपको
खुद जाना पड़े स्टेप बाय स्टेप सबके आउटलेट पे सर्वे करके लिए, या अगर कोई डिजिटल आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटली उसको चेक करें कि उस वो लोग क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके पास क्या क्या है, और आपने उनसे एक्स्ट्रा क्या सर्विस देनी है ताकि क्लाइंट आपके पास आए, उन जो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी बजाय आपके पास आपने अपना क्लाइंट लेके आना है, तो आपने कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सेकंड पॉइंट हो गया टारगेटेड ऑडियंस, उसके बाद तीसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है ब्रांड नेम, और फोर्थ पे आ जाता है कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, तो ये काफ़ी मेजरली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाती है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इज ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप ये भी आपकी सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। लाइक अगर आप अभी अपने किसी ऐसी आउटलेट को ओपन करने जा रहे हैं जो किसी मिडिल क्लास एरिया में है या नॉर्मल टारगेट ऑडियंस है, तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग भी उसी तरह की ही करनी है। आपको अपनी ब्रांडिंग में यूज देखना है कि आपने कौन सी टैगलाइंस यूज़ करनी है, कैची टैगलाइंस बहुत यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कलर स्कीम, आपने अपनी ब्लैक कलर स्क्रीन जो है वो किस तरह की यूज़ करनी है ताकि आप अपनी ऑडियंस को जो है अच्छे तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर सकें। आपने अपने कलर स्कीम, अपने ब्रांड नेम, अपने टैगलाइन, अपने बिजनेस डोमेन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रेजेंस, इन सब को देखते हुए अपनी ब्रांडिंग फाइनलाइज करनी है। अपने ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करवाना है या खुद करना है, या उसके अलावा कोई सोशल मीडिया के कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ करना है, कि यहाँ कहाँ पे आपने मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन में कैसे मार्केटिंग करनी है, होल्डिंग बोर्ड्स लगाने हैं, बिल बोर्ड्स लगाने हैं, ये अगेन डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आपका बिजनेस मॉडल किस टाइप का है। और उसके बाद आ जाती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च की बात करें तो अब आपने कंपेटिटर एनालिसिस भी कर लिया, ऑडियंस का सिलेक्शन भी कर ली, अब आ जाती है आपकी मार्केट रिसर्च कि आपने प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे की है, क्या आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया है क्या वो सबसे बेस्ट है, क्या आप उससे बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, आपका रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से उसको सोर्स करना है, आप में इसमें शिपमेंट कैसे इन्वॉल्व होगी, और ये सारी सप्लाई चेन इसकी कैसे मैनेज हो सकेगी, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। और फिर आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट में कितना दम है, आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छे से आप अपने क्लाइंट तक पहुँचा सकते हैं। आपने एक दफ़ा तो स्टॉक आ गया आपके पास, उसके बाद उसकी सप्लाई चेन को भी मैनेज करना है कि आपकी सप्लाई चेन कितने टाइम में उसका साइकिल रिपीट हो सकता है, या आपका कंपेटिटर कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है, आपने कहाँ से करनी है, कौन सी मार्केट से चीज़ें बाई करनी है, किस डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें लेनी है, ये सारा चीज़ें भी आपने अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले ये सब चीज़ें डिसाइड करनी है, ताकि आपका ब्रांड जब लॉन्च हो जाए उसके बाद आपको इन चीज़ों का हैसल ना आए। सबसे ज़्यादा इशू आता ही ये है किसी भी ब्रांड को अनसक्सेसफुल होने में, कि आप अपनी सिलेक्शन जो है वो टाइमली नहीं करते, आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन पे या रिसोर्सिंग पे, उसकी ब्रांडिंग पे आप एफर्ट नहीं करते, टाइम नहीं देते, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो है एट दी एंड आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपके सामने पाकिस्तान में मौजूद हैं या इंटरनेशनली मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है या बहुत ज़्यादा ग्रो की है पाकिस्तान में। कुछ बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो फूड इंडस्ट्री में भी हैं, क्लॉथिंग में भी हैं, डिफरेंट हर इंडस्ट्री में ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा से ग्रो किया है। तो उन सब का एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हम इन 10 फैक्टर्स पे पहुंचे हैं जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च के बाद आ जाता है हायरिंग कंपेटिटिव टीम। आपने जो अपनी टीम हायर करनी है वो कंपेटिटिव होनी चाहिए, आपकी लोकेशन के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ, आपकी प्रोडक्ट के साथ अवेयरनेस उसको होनी चाहिए प्रॉपर से कि वो आपकी प्रोडक्ट को क्या सेल आउट कर रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे आपको उनके पास प्रॉपर से शेफ नहीं होते या प्रॉपर से वेटर्स नहीं होते डील करने वाले, या ऑर्डर टेकर जो आपको, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक रेस्टोरेंट की बात करें तो ऑर्डर टेकर को पूरी मेन्यू का नॉलेज होना चाहिए कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे बनती हैं, उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं। जब आपका कोई भी कस्टमर आपके वेटर को ऑर्डर देता है तो आप उस वो पूछ सकते हैं कुछ भी, और वहाँ पे भी अगेन आपका जो फर्स्ट टू पॉइंट्स है ऑडियंस को सिलेक्शन या लोकेशन की सिलेक्शन वो इंपॉर्टेंट रखती है। लाइक कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए वेटर्स,
कुछ ऐसी हैं जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग चाहिए, अगर आप केपी के वाली साइड में जाते हैं तो आपको मे बी पश्तो स्पीकिंग जो है वेटर्स चाहिए हो, स्टाफ चाहिए हो, तो आपने इन सब चीज़ों को भी अपने ब्रांड स्टार्ट करने से पहले फोकस करना है कि आपने जो टीम हायर कर रहे हैं वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उससे आपने क्या क्या काम करवाना है, उसकी प्रॉपर से जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पहले से फाइनलाइज करनी है ताकि वो उसको अपनी जॉब ड्यूटीज का पता हो, उसको प्रॉपर से ट्रेनिंग देनी है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक कोई एक आपने टीम हायर की है वो पहले किसी और चीज़ की सेल्स कर रहे थे, अभी आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको गाइड करना है कि किस तरह से वो ये काम कर सकता है, ताकि आपका जब क्लाइंट हो आए आपकी शॉप पे या आपकी सर्विसेज हैं या जो भी है तो उसको वो प्रॉपर से डील कर सके, उसमें कोई भी ऐसा ग्लिच ना आए कि जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट ना बिके या वो आप गलत बिना सेल कर सके। उसके बाद जो आ जाता है लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, जो आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं वो है द आर्ट ऑफ सेलिंग विदाउट सेलिंग। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं की और आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। आप डिफरेंट होल्डिंग बोर्ड्स देखते होंगे, पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि डायरेक्ट किसी भी चीज़ की मार्केटिंग नहीं की जाती, डायरेक्ट किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली उन चीज़ों को सेल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक आर्ट है कि आपने अपनी चीज़ों की सेल भी नहीं की और आपकी चीज़ फिर भी सेल होगी। आप कभी भी अपनी डायरेक्ट चीज़ों को सेल आउट नहीं करते कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं, आप उनको उनका सलूशन बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशन है हमारे पास। आप पहले मार्केट के बीच में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन चीज़ों की सोर्सिंग देखते हैं और उसके बाद उनका सलूशन निकाल के मार्केट में प्रेजेंट करते हैं और फिर एट द एंड पे आप कहते हैं कि ये सलूशन हमारे पास अवेलेबल है, हमसे परचेज कर लिया जाए। तो ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं आप, लाइक अगर एग्जांपल लें तो मार्केट में बहुत सारे पहले भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, तो नया रेस्टोरेंट क्यों खुलेगा कोई, ऐसी क्या वैल्यू एडिशन करेगा, ऐसा क्या कोई नई आइटम लेके आएगा, कोई नई कुजीन लेके आएगा या फिर नया इन्वायरमेंट लेके आएगा। अब बहुत सारे कैफेज या इस तरह के रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे जो किसी थीम पे बने हुए हैं, किसी ना किसी थीम पे हैं, किसी करेक्टर पे हैं या किसी बर्थडे थीम पे हैं या कुछ इस तरह से, तो कोई एक नई वैल्यू ऐड करेंगे तभी आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स जाएंगे और वहाँ पे जाके, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो पिक्चर्स का है, स्नैप्स का है, तो ब्लॉगिंग का है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है, तो वो तभी आपकी कोई नई चीज़ होगी, यूनिक चीज़ होगी, तभी आपके पास ऑडियंस आएगी। तो आपने ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के थोड़ा सा गैप फिलिंग की तरफ फोकस करना है ताकि आप अपने किसी भी चीज़ का, लाइक अगर किसी भी बिजनेस में, लाजमी ये नहीं किसी एक बिजनेस की बात करो, आप अगर अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा थीम लॉन्च करके या कोई एक्स्ट्रा कुजीन लॉन्च करके। अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो डिफरेंट, लाइक अगर कोई मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो मेडिकल स्टोर पे भी आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा ड्रिंक्स ऐड कर सकते हैं, या अगर आप उसके अलावा मोबाइल शॉप की बात करें तो मोबाइल शॉप के साथ आप प्रिंटिंग ऐड कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा सर्विस, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बेस है तो उसकी होम डिलीवरी ऐड कर सकते हैं, उसकी कस्टमर सर्विस ऐड कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन कस्टमर को कैच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे एंड पे आ जाते हैं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपकी जो हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बिक सकती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू बिक सकती हैं। तो ये एनालिसिस आपने खुद करना है कि आपकी प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट में किस तरह से सेल होने की कैपेबिलिटी है, आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपका रियल स्टेट का काम है तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग चाहिए, आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है किसी एक सिटी में है तो आपको ऑफलाइन मार्केटिंग चाहिए, उसके साथ साथ उस सिटी की टारगेटेड ऑनलाइन ऑडियंस चाहिए ताकि आप स्पेसिफिक उस ऑडियंस तक पहुंच सको। या उसके अलावा आजकल जो सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी जो टेक्निक चल रही है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या ब्लॉगिंग है, जिसके थ्रू आप अपने डिफरेंट जो मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं उनको आप अपने पीआर भेजते हैं या उनसे आप वीडियो एड्स बनवाते हैं और उसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कोई भी नया स्टार्ट करना हो बिजनेस उसके लिए भी है, या अगर कोई आप रनिंग बिजनेस है
उसको भी इन पॉइंट्स पे अमल करते हुए आप अपनी रेवेन्यू में भी इंक्रीज लेके आ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली ब्रांड बिल्डिंग में इंक्रीज आता है। जब आपका कोई भी ब्रांड बन जाता है तो फिर आप उसकी मल्टीपल लोकेशंस पे ओपन करते हैं, उसकी फ्रेंचाइजिंग करते हैं, उसको नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ जो कि अपने आपको इंटरनेशनली एक ह्यूज लेवल पे लेके जा सका हो। तो फ्यूचर में हमारा गोल होना चाहिए कि हमने अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेके जाना है, ताकि आप इंटरनेशनल जाएंगे तो आपके पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू भी आएगा, डॉलर की प्राइसेस भी कम होगी, और सारा कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स ही ऐड करके कंट्री की इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह आपने समझ अपना रोल ऐड करना है, बाकी सब अपना अपना रोल ऐड कर देंगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने अपने ब्रांड को नेशनल लेवल पे लेके जाना है, उसकी फ्रेंचाइजिंग करनी है, फ्रेंचाइजिंग के बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। आप खुद से इंटरनेशनल लेके जाते हैं या उसके और डिफरेंट फ्रेंचाइजिंग करके तो डिफरेंट मार्केट में लेके जाते हैं। तो इन पॉइंट्स 10 फैक्टर्स को अगर आप इन पे आपको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, और इन पे आप जो है आपको बिजनेस स्केल भी करेगा और ग्रो भी करेगा। थैंक यू सो मच।